नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं जो आपका दिल दहला देती हैं और आपको अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं। और ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी होती हैं। लेकिन क्या इन्हें सच में केवल ट्रेंड होना चाहिए या इनका विरोध भी होना चाहिए? हम केवल लव जिहाद के मामले की ही बात करते हैं, लेकिन और भी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको हिला कर रख देंगी। कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं और हाल ही में घटित हुई हैं। कर्नाटक में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी के प्रेमी का गला काट दिया और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि पति ने उसका गला काटने के बाद उसका खून भी पिया। शख्स को शक था कि उसकी पत्नी का उसके दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बाद अवैध संबंधों के संदेह में उसने अपने दोस्त का गला काट दिया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया। लेकिन इस तरह की घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। हाल ही में एक और घटना सामने आई थी, जिसमें पहले युवक ने नाम बदलकर शादी की और फिर अपनी पत्नी पर इस्लाम अपनाने को लेकर दबाव बनाने लगा। इतना ही नहीं, उसके बाद महिला को बेच भी दिया। लव जिहाद के मामले आए दिन देश में बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के अमरोहा से युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले मामले की, जो हाल ही में सामने आया था, जहां एक शख्स पहले तो अपना नाम बदला और फिर लड़की से शादी रचा ली। लेकिन शादी के बाद लड़के ने युवती पर इस्लाम धर्म को अपनाने का दबाव बनाया और फिर युवती को 3 लोगों को बेच दिया। और फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोगों ने युवती के साथ गैंगरेप जैसा घिनौना काम किया। थाने पहुंचकर युवती ने पूरी घटना तो बताई, जिसके बाद पुलिस ने कई धाराओं में केस तो दर्ज किया, लेकिन इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो इस समाज में सेफ है। अब बात करते हैं देश के दूसरे हिस्से की, जहां की तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। पुणे शहर में मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां एक युवक ने 19 साल की छात्रा पर दिन दहाड़े बीच सड़क हसीये से हमला कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पीड़िता ने युवक के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपी लड़के का प्रपोजल अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद वह उसे जान से मारने की धमकी देने लगा और कॉलेज के बाहर उसे पीटता भी था। इन तीनों घटनाओं को सुनने के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज को कहां ले जा रही हैं और क्या हमारी बहु बेटियां इस समाज में उतनी ही सुरक्षित हैं जितना दावा किया जाता है। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।